सो हेलो और सब भाई लोग, क्या हालचाल? तो कैसे हो आप सभी बंदे लोग? होप कि सभी भाई लोग बढ़िया होंगे, आराम के भी बड़े हुए। तो गाइस स्वागत है आप सभी का लाइट गेमिंग के इंडियन फ्रेश कमाल न्यू वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ओपी इन द चैट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को हाई पिंग प्रॉब्लम वाला फ्री फायर में जब आप लोग गेम खेलते हो तो आप में से हर बंदे को पिंग प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलता होगा। तो गाइस आज मैं आप लोगों को पिंक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने वाला हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका पिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो नाम बदल देना। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यार जो भी बंदे चैनल में पहली बार आ रहे हो यार क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो एंड वीडियो में एक लाइक कर दो प्यारी सी, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और प्यारी वीडियो बनाता रहूं। एंड हाँ गाइस, यहां पे आप लोगों को टॉप 4 टिप मैं देने वाला हूं, तो लास्ट की दो टिप जो है ना एकदम मिस मत करना, क्योंकि उसको नहीं देखा तो आपने पूरी वीडियो में कुछ नहीं देखा। तो चल बढ़ते हैं हमारी पहली टिप की ओर, जो कि होने वाली आप लोग जब भी गेम खेलते हो तब आपको पिंग प्रॉब्लम की समस्या आती है। तो आप लोगों को आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड में चेक कर लेना है कि आप लोग कोई वीडियो या कोई पिक्चर या फिर कोई भी ऐप वेप कुछ भी आप लोग डाउनलोड उस टाइम पे मत किया करो, क्योंकि जब आप लोग गेम खेलते हो अगर कोई भी ऐप या कोई भी कुछ चीज़ डाउनलोड करोगे तो आपका ऑब्वियसली पिंग हाई होने ही वाला है। आप लोग सोचते हो भाई चलो गेम खेल रहे हैं तो चलो यार थोड़ी बहुत वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलो बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की ओर, जो कि हमारी सेकंड टिप होने वाली है। तो सेकंड टिप में आप लोगों को क्या करना है, सो गाइस उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को हर बंदे के लगभग हर बंदों के साथ यही होता है, तो पहले प्ले स्टोर पे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लोगों पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नेटवर्क पर्सन प्रोसेसर का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ पे क्लिक कर देना एंड उसके बाद ऑटो अपडेट एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे टच करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको पहला नंबर पे टिक होगा तो उसको आपको दूसरे या तीसरे में कर देना है। इसको करने से ना आप जब भी फ्री फायर गेम खेलोगे ना तो उस टाइम पे प्ले स्टोर से आप लोग को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होने ही नहीं पाएगा वाईफाई कनेक्ट कर रहे होगे तो। और यहाँ पे अगर डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक कर दोगे ना तो ये और भी ठीक रहेगा, जिससे आप लोग जब तक खुद नहीं चाहोगे तब तक वो अपडेट होगा ही नहीं। तो आप लोग ये तो वाईफाई में क्लिक कर सकते हो या फिर तीसरे नंबर पे भी क्लिक कर सकते हो, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप लोग। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरी ट्रिक की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और लास्ट वाली भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आ जाना एयरप्लेन मोड में, वहाँ पे आपको एयरप्लेन मोड ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अभी ध्यान से सुनना, ये ऑन जब कर दोगे उसके बाद आप लोगों को अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रोबोट या रिबोट लिखा होगा या फिर रीस्टार्ट लिखा होगा, तो दोनों में से जो भी लिखा हो उसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐसा करोगे ना तो आपका डिवाइस जो है ना एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद आपका डिवाइस ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो एयरप्लेन मोड आप लगाए हुए थे उसको ऑन कर देना, इनेबल उसको ऑफ कर देना है। ऑफ कर दोगे तो उससे आपका नेटवर्क जो है ना वो एकदम रिफ्रेश हो जाएगा एंड आपका डिवाइस में एकदम मस्त नेटवर्क चलने लगेगा। और हाँ गाइस, ये कुछ कुछ मोबाइलों में वर्क कर जाता है। अभी लास्ट ट्रिक जो बताऊंगा वो आप लोग चाहे एयरटेल की सिम लेते हो या फिर जियो की सिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आप लोगों को। चाहे जो सिम या आप लोग यूज करते हो वो उसमें आप लोग ये वाली ट्रिक वर्क कर सकते हो। एंड ये ट्रिक ना इस टाइम सब यूज करते हैं गाइस, जिसका भी इंटरनेट चला जाता है ना सब ये ट्रिक यूज करते हैं और पक्का उनका नेटवर्क आ जाता है। तो गाइस वो ट्रिक क्या है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को अपने किसी भी फ्रेंड के पास या फिर अपने मोबाइल से आप लोग कस्टमर केयर के पास भी कॉल लगा सकते हो। अगर आपको कोई दोस्त है, जैसे कि आपका बगल में कोई फ्रेंड है या फिर कोई घर में फ्रेंड है अगर आपके साथ गेम खेल रहा है, तो कह दे ना भाई मैं तेरे पास कॉल कर रहा हूँ, कॉल करने के बाद हम दोनों आओ गेम खेलते हैं, गेम खेलेंगे एंड वहाँ पे कॉलिंग मत करना, मतलब कॉलिंग कट मत करना एंड कॉलिंग चलने देना, तो आपका इंटरनेट ना एकदम पानी की तरह चलने वाला है। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, इस टाइम पे ना अगर आप लोग कॉलिंग पे गेम खेलोगे ना तो एकदम पानी की तरह आपका गेम चलेगा। इस टाइम पे यही हो रहा है हर मोबाइल में, चाहे जो भी सिम लगाओ जो भी मोबाइल लियो। मैंने एयरटेल जियो दोनों में आजमा लिया है एंड तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस दोनों सिम में ये वर्क कर रहा है इस टाइम पे, तो आप लोग भी जाके यूज कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, इसको यूज करने के बाद ना आपका बैकग्राउंड का जो म्यूजिक मतलब जो साउंड होगा, जो आप लोग घर का साउंड होगा
वो चला जाएगा, आप लोग जब भी कॉलिंग करोगे तो चला जाएगा। तो गाइस हाँ, इसका भी आप लोग पास ऑप्शन है कि इसको भी आप लोग ठीक कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, या तो गेम को मिनिमाइज करके रीओपन कर देना है, उससे ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो आपको गेम को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करोगे तो उसका साउंड वापस आ जाएगा एंड आप लोग इजीली गेम को एंजॉय कर पाओगे बिना किसी हाई पिंग के। तो गाइस वीडियो कैसे लगी? वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।